नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। आज गुरुग्राम का कोरोना बुलेटिन आ गया है और डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया, जो कि सीएमओ हैं गुरुग्राम के, उन्होंने फोन पर हमें जानकारी दी है। आज गुरुग्राम में 9 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज गुरुग्राम में एक अच्छी खबर यह है कि आज 23 लोग ठीक भी हुए हैं, यानी कि डिस्चार्ज उनको अस्पताल से आज किया गया है। तो ये आंकड़ा जो लगातार हमारे गुरुग्राम में बढ़ता जा रहा था, उसमें एक राहत भरी खबर ये आई है कि आज गुरुग्राम में 23 लोग ठीक होकर उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब मैं आंकड़े आप लोगों को एक बार बता देता हूं। जो गुरुग्राम में टोटल केसेस हैं, जो संख्या है, अब तक कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी संख्या है 179, यानी कि 179 ये टोटल केसेस की संख्या है। और जो डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है वो है 90। अब तक जो कुल गुरुग्राम में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या वो 90 हो गई है और जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 89 है, यानी कि 89। ये आंकड़ा आज का है गुरुग्राम का, जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनका। नए केसेस आज गुरुग्राम में आए हैं जो, उनकी संख्या है 9। ठीक होने वालों की संख्या है, यानी कि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है 23। अब टोटल संख्या 179, डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 90 और एक्टिव केसेस की संख्या 89 हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार वाइज कि कहां कहां के ये जो आज 9 नए केसेस आए हैं ये कहां कहां के हैं। 6 लोग राजीव नगर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आपको याद होगा, एक कोरोना पॉजिटिव राजीव नगर से पाए गए थे और उनके संपर्क के ही बताए जा रहे हैं कि ये 6 लोग हैं। इन 6 लोगों में एक जो आप लोगों को चौंकाने वाला केस मिलेगा वो है एक प्रेस वाला। जी हाँ, राजीव नगर में जो आज 6 नए केसेस आए हैं उनमें से एक प्रेस वाला है। इसके अलावा एक व्यक्ति हरिनगर से, जो कि सब्जी बेचते हैं, इनका काम सब्जी बेचना है, एक पेशेंट, कोरोना पेशेंट हरिनगर से आया है। और एक पेशेंट बसई से आया है, जो पहले बसई में लोग कोरोना पेशेंट मिले थे उन्हीं का कॉन्टेक्ट ही बसई वाला है। और एक पेशेंट आया है ट्रांसपोर्ट नगर से, जो हमारा हंस एनक्लेव के बाद जो हिरोंडा चौक की तरफ हम चलते हैं तो वहां पर ट्रांसपोर्ट नगर है, वहां पर ये शख्स काम करता है और ये रहने वाला गांधीनगर का है। ये कुल संख्या है आज की 9 कोरोना पेशेंट्स की जो गुरुग्राम में आज पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज गुरुग्राम में जो कंटेनमेंट जोन है उनकी भी रिवाइज लिस्ट आ गई है। हम लोगों ने आप लोगों के लिए, हमारा जो फेसबुक पेज है वहां पर वो कंटेनमेंट की जो नई लिस्ट है उसको हमने अपलोड कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पर भी हमने कंटेनमेंट जोन की जितनी भी लिस्ट है उन सबको अपडेट कर दिया है। आप लोग वहां देख सकते हैं कि किन किन इलाकों को अब गुरुग्राम में कंटेनमेंट में शामिल किया गया है, उनमें डेट लिखी हुई है कि कब तक वहां पर कंटेनमेंट रहेगा। अगर आज के बाद उन इलाकों में कोई नए कोरोना पेशेंट नहीं आते हैं तो उनको तय तारीख पर ही कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोगों के हमारे पास सवाल आ रहे थे कि जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का कोरोना बुलेटिन आता है और जो हरियाणा स्टेट का कोरोना बुलेटिन आता है उसमें आंकड़ों में काफी अंतर है। वो आंकड़ा भी आज आ गया है, उसमें भी स्थिति साफ हो गई है। दरअसल गुरुग्राम का जो बुलेटिन बनाया जाता है वो शाम को बुलेटिन बनाया जाता है और वो आंकड़ा एक बार ही हरियाणा के स्टेट के पास वो जाता है और वहां पर वो फिर उसको अपडेट किया जाता है। उसमें संख्या कोरोना पॉजिटिव्स की ज्यादा दिखाई जा रही थी, एक्टिव केसेस की ज्यादा दिखाई जा रही थी और ठीक होने वालों की संख्या कम दिखाई जा रही थी। आज वो आंकड़ा ठीक कर दिया गया हरियाणा स्टेट की तरफ से। और जो ये जानकारियां आप लोग बार बार हम लोगों को दे रहे थे, इसकी जानकारी हमने जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं गुरुग्राम के उनको इसकी जानकारी दी और अब उस आंकड़े को ठीक करा दिया गया है। हालांकि वो आज के जो नए केसेस आए हैं वो उनमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हरियाणा स्टेट का जो बुलेटिन है वो थोड़ा पहले जारी कर दिया जाता है और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का जो बुलेटिन आता है वो थोड़ा लेट आता है। वो बुलेटिन आज आ गया है, हमने बात की है गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया से, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि आज गुरुग्राम में 9 नए केसेज आए हैं और 23 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। ये एक अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है कि लोग बड़ी संख्या में डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि गुरुग्राम में जितने भी कोरोना पेशेंट्स पाए जा रहे हैं वो या तो एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, यानी कि हमारे गुरुग्राम में इतना खतरनाक ये वायरस नहीं है जितनी मात्रा में ये दुनिया भर में फैला हुआ है। हमारी इस खबर को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये खबर जल्दी पहुंच पाए और सही जानकारी पहुंच पाए। जब हमारे पास ऑफिशियली जो लेटर आता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो आ जाएगा, उसके बाद हम उसको भी अपने फेसबुक पेज और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार।